आपकी आवाज में आवाज खिलाने आए हैं। मगर ये दंगा फसाद देखकर बड़ा अफसोस हुआ। हमारे यमुना पार आरडब्ल्यू फेडरेशन से 60 लोग आए, हाथ खड़े करके बता दीजिए। हम यहाँ दंगा फसाद देखने नहीं आए थे, हम यहाँ एक सॉल्यूशन लेकर आए थे और सॉल्यूशन के लिए आए थे। मैं गुजारिश करूंगा तमाम साथियों से, कुदरत ने इंसान के साथ जानवर को बनाया, उनका भी इतना अधिकार है जितना इंसान होता है। तो सबसे पहले तो कुशमिश कीजिए, हम अपने देश को श्रीलंका नहीं बनने देंगे। श्रीलंका में बंदरों की तादाद बढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया कि लाखों बंदर जो है चीन को गिफ्ट कर दिए, और वहां जाकर उन बंदरों के साथ क्या हो रहा है आप अच्छे से जानते हैं। अपने देश भारत को हम श्रीलंका नहीं बनने देंगे। ये कुत्ते भी हमारे साथ रहेंगे, हम भी इनके साथ रहेंगे। मगर गुजारिश है, सबसे ज्यादा सुलेश जी बात कर रहे हैं, वो होना चाहिए यमुना पार, आरडब्ल्यू फेडरेशन इस पर अपना समर्थन देती है। दूसरी बात, जिस तरह हमारे देश में गौशाला बनती है निजी सरकारी, इसी तरीके से पशुशाला बननी चाहिए जो मजबूत कुत्तों के लिए होनी चाहिए। छाटा जाए और उन कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाए जासूसी के लिए, सुरक्षा के लिए, और उनको सुरक्षा गार्ड जो कंपनियां प्रोवाइड करती है उनको कुत्ते दिए जाए, उनका खर्चा उनसे लिया जाए। दूसरा, कोई व्यक्ति अगर अपनी सुरक्षा के लिए कुत्तों को हायर करना चाहता है तो इस तरह के कुत्तों को उनके काम में लिया जा सकता है, जो घर की सुरक्षा करे, उनके कारखाने फैक्ट्री की सुरक्षा कर सकते हैं, और नामुमकिन नहीं है। और तीसरी बात, विजय गोयल जी, हमारी यमुना पार फेडरेशन जो आरडब्ल्यूएस की आ जाइए, 60 साथी हमारे अपना कीमती समय लेकर आपके सामने आए हैं। मैं गुजारिश करूंगा इस मुद्दे को आप किसी राजनीतिक रूप में न ले, प्लीज इसको आप कंस्ट्रक्टिव में ले। यहाँ डॉग लवर्स भी है और ये सब डॉग लवर है। सोल्यूशन है कि होना क्या चाहिए। ये सरकारें जो सो रही है, चाहे वो बीजेपी की हो, आम आदमी कांग्रेस की हो, हमारा मुद्दा ये है, जितना हक हमारा है उतना कुत्तों का है, मगर उनको स्टरलाइज होना चाहिए, उनको सुरक्षा के लिए तैयार करना चाहिए, और लोगों को चाहिए कि उनको गोद लें, और उन कुत्तों की ट्रेनिंग जो होगी उनका पैसा उसी व्यक्ति से लेना चाहिए जो उस कुत्ते को गोद लेकर देश की रक्षा और अपने लिए काम करता है। धन्यवाद।